क्रोमा की कंपोजिटिंग या क्रोमा कीइंग एक पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निक है जिसमें दो या दो से ज्यादा लेयर्स को कंपोजिट किया जाता है। लेयर्स का मतलब है इमेजेस या वीडियोस। क्रोमा कीइंग के लिए आपको एक्टर्स को या ऑब्जेक्ट्स को एक फ्लैट स्क्रीन के सामने रखकर फिल्म करना पड़ता है। यूजुअली जो कलर होता है फ्लैट स्क्रीन का वो ग्रीन या ब्लू होता है, इसलिए इसको ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट भी कहते हैं। एक बार आपके पास एक क्लिप आ जाए तो फिर आप सॉफ्टवेयर का यूज करके, जो आपका कीइंग सॉफ्टवेयर है, आज हम जैसे फिल्मोरा का यूज कर रहे हैं, इसी तरह का कोई भी पोस्ट प्रोडक्शन का अगर कीइंग एप्लीकेशन है उससे आप उस ग्रीन या ब्लू कलर को की करते हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी जनरेट होती है। और आप जानते हैं कि जब हमारे पास ट्रांसपेरेंसी होती है तो हम आसानी से दो या दो से अधिक क्लिप्स को, इमेजेस को कंपोजिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फिल्मोरा में किस तरह से हम क्रोमा कीइंग करते हैं। इस फाइल को ओपन कर लीजिए, chroma-key-start.wfp। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास तीन क्लिप्स हैं जिनमें से दो ग्रीन स्क्रीन हैं और एक ब्लू स्क्रीन है। तो इस पहली क्लिप में आप देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर है वो एक ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा है, और जो ग्रीन स्क्रीन आप नोटिस करें जो पीछे लगी हुई है वो इवनली लिट है, हर जगह वो एक तरह से उस पर लाइट है और कहीं भी शेडोज नहीं है, कहीं भी रिंकल नहीं है। दूसरी जो क्लिप है हमारे पास, उसमें आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर ने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं और वो ग्रीन स्क्रीन के सामने ही है। और जो तीसरी क्लिप है उसमें हमारे पास ब्लू स्क्रीन के सामने कुछ ग्रास है। यहाँ नीचे देखेंगे तो एक एक लेयर मैंने इनके नीचे लगाई है, एक एक क्लिप या इमेज इनके नीचे लगाई है, ताकि जब ऊपर ट्रांसपेरेंसी हो तो जो नीचे की लेयर है वो हमें दिखे। तो जब हम इस पहली क्लिप में ट्रांसपेरेंसी जनरेट करेंगे की करके, तो नीचे वाला ये जो फ्लावर्स हैं ये दिखेंगे, इसमें ये ऑरेंज कलर दिखेगा और इसमें ये मून ब्लू कलर दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्लिप पे काम करते हैं। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम इनेबल करेंगे क्रोमा की। वीडियो टैब में क्रोमा की हमने इनेबल करना है, और जैसे ही हमने ये चेकबॉक्स इनेबल किया है, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जनरेट हो गई है और नीचे वाली जो लेयर है, नीचे वाली जो इमेज है वो यहाँ पे विजिबल हो रही है प्रीव्यू विंडो में। अब ये ट्रांसपेरेंसी कैसे जनरेट हो गई? ये इसलिए जनरेट हुई क्योंकि जो कलर है बाय डिफॉल्ट क्रोमा की फीचर का वो ग्रीन है। तो यहाँ पे जो भी ग्रीन कलर था इसको की आउट कर दिया गया है, मतलब इसको हटा दिया गया है इमेज से, और वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जनरेट की गई है। इसी को हम क्रोमा कीइंग कहते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है आपको, क्योंकि जो अगर मैं इसे ऑफ करूँ तो आप देख सकते हैं कि इमेज काफ़ी ब्राइट है, लेकिन जब हम इसे इनेबल करते हैं ऊपर वाली लेयर को तो वो उतनी ब्राइट नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर है ये स्टैंडर्ड कलर है। कोई भी कभी भी आप इनेबल करोगे क्रोमा की फंक्शन को तो यहाँ पे यही ग्रीन कलर रहेगा, लेकिन आपका ग्रीन कलर डिफरेंट होगा क्योंकि अलग अलग क्लिप में अलग अलग ग्रीन कलर यूज़ किया होगा। सेम तो सबके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं रहती ना, सेम लाइटिंग कंडीशंस रहती हैं, तो वो ग्रीन डिफरेंट हो सकता है। उसके लिए आपको इस आई ड्रॉपर पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर आना है। देखिए जैसे ही आपने आई ड्रॉपर पर क्लिक किया सारी ट्रांसपेरेंसी गायब हो गई, क्योंकि अब आपको ये कलर पिक करने दे रहा है। तो कहीं से भी आप एक ग्रीन कलर पिक कर लें, जो मोस्ट डोमिनेंट ग्रीन कलर हो या डोमिनेंट शेड ऑफ ग्रीन कलर हो उस पर क्लिक करिए, और अब यहाँ पे थोड़ा बेटर आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, कीइंग को कंट्रोल करने के लिए वी हैव दीज एट्रीब्यूट्स। तो जो ऊपर के दो हैं ऑफसेट एंड टॉलरेंस, ये कंट्रोल करते हैं कि कितना बैकग्राउंड विजिबल होगा। सबसे नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स है अल्फा चैनल। इस चेकबॉक्स को इनेबल करते ही आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिखेंगी, ओपेक कलर्स एंड ट्रांसपेरेंट कलर। जो आपकी परफेक्ट की होगी उसमें जो कैरेक्टर है वो परफेक्ट ओपेक होना चाहिए, और जो जहाँ पे कैरेक्टर नहीं है, जहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है, वहाँ पे परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब ब्लैक। ब्लैक होती है 0 और वाइट होता है 255। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर के ऊपर वाइट कलर है, तो ये एरिया ओपेक है इसीलिए आपको करेक्टर दिख रहा है, और यहाँ पे आपको पीछे वाली इमेज दिख रही है, जो बैकग्राउंड में लेयर है वो दिख रही है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जनरेट हुई है, लेकिन इतनी परफेक्टली वो जनरेट नहीं हुई क्योंकि अभी भी आप यहाँ पे
कुछ वाइट वैल्यूज देख सकते हैं, तो इनको हमें मूव करना है टुवर्ड्स ब्लैक ताकि ट्रांसपेरेंसी जनरेट हो, और उसके लिए यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर है ऑफसेट। तो देखिए जैसे आप ऑफसेट को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जनरेट होने लगती है। अगर आपने इसको एक्सट्रीम कर दिया तो देख सकते हैं कि जो करेक्टर है उसमें भी ये होल्स दिखने लगे हैं, इससे क्या होगा कि पीछे वाली इमेज दिखेगी। तो आपको इसको ध्यान में रखकर कि होल्स ना जनरेट हों आपके करेक्टर में, या फिर टू मच उसकी जो ये जो है एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इरोड ना हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज़ आर ऑफसेट एंड देन टॉलरेंस। आप देखेंगे टॉलरेंस इसकी एजेस पे काम कर रहा है ऑफसेट ने, तो जो मेजर ग्रीन कलर था, जो मेजर एरिया था ग्रीन कलर का, वो वाला हटा दिया। अब आप टॉलरेंस को अगर ऊपर नीचे करोगे तो यू कैन सी दैट इट इज़ इफेक्टिंग द एजेस, अल्फा चैनल हटाने पे आपको दिखेगा। सो लेट्स सेट ऑफसेट टू 33, डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है इसकी, इसको आप बढ़ाइए, देन एजेस को कंट्रोल। एक्चुअली तीनों जो है ना ये एजेस को कंट्रोल करते हैं, देखिए टॉलरेंस, देखिए। तो ये इसलिए एजेस को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है आपको, क्योंकि जब भी आप ग्रीन या ब्लू स्क्रीन के आगे खड़े होकर शूट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पे लाइट सोर्सेस भी होंगे, और लाइट उस ग्रीन या ब्लू स्क्रीन से रिफ्लेक्ट होकर आपके कपड़ों पर, आपके चेहरे पर, आपके बालों पर पड़ती है। तो वो जो ग्रीन टिंज है वो आपके कपड़ों पे, चेहरे पे, बालों पे आता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, एजेस को कंट्रोल करने के लिए यू हैव दीज कंट्रोल्स। सो वी हैव टॉलरेंस, देन वी हैव एज थिकनेस, कितनी एज थिकनेस रखनी है। देखिए अगर हम इसे ऑल द वे टू 10 कर दें तो एक इस तरह से, अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ ऑल्ट एंटर प्रेस करके, तो आप देख सकते हैं कि एक इस तरह का एक बॉर्डर बन जाता है इसके चारों ओर। और आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग इस तरह के थंबनेल्स बनाते हैं जिसमें कैरेक्टर के चारों ओर इस तरह की बाउंड्री रहती है। तो अगर आपको ये इफेक्ट चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बट इसको हम कम कर देंगे ताकि हम अपनी एज थिकनेस को कंट्रोल कर सकें। एंड देन अगर आपको जो एजेस हैं उनको फेदर करना है, देन यू कैन यूज दिस फेदर स्लाइडर। आप देख रहे हैं एजेस फेदर हो रही हैं, तो इन तीन स्लाइडर से आप एजेस को कंट्रोल करोगे। अल्फा चैनल में जाके आप देख लें कि कुछ होल्स तो नहीं क्रिएट हो रहे हमारे जो करेक्टर है उसके ऊपर, करेक्टर हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिसको भी आपने ग्रीन स्क्रीन के सामने रखा है। अब हम अगर दूसरी क्लिप में आए तो देखिए इसके नीचे ऑरेंज कलर है और यहाँ पे करेक्टर ने ग्रीन क्लोथ्स पहने हुए हैं। अगर आपने ग्रीन स्क्रीन के आगे किसी करेक्टर को ग्रीन कपड़ों में खड़ा कर दिया और फिर आप उस क्लिप को की करने की कोशिश करें तो देखिए ट्रांसपेरेंसी जनरेट हो जाएगी जहाँ भी ग्रीन है। अगर हम डबल क्लिक करेंगे, क्रोमा की को इनेबल करेंगे, और अगर हम ऑफसेट को बढ़ाते हैं तो ये देखिए जहाँ भी आपको ये ऑरेंज कलर दिख रहा है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, केवल चेहरा बचा हुआ है, बाकी सब कुछ ऑरेंजिश हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रीन स्क्रीन शूट करने से पहले, ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो ये है कि अगर आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने करेक्टर्स को ग्रीन कपड़े ना पहनाएं, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्रीन कलर के ना हों ग्रीन स्क्रीन के आगे, क्योंकि जब आप की करेंगे जो आपका करेक्टर है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसको भी ट्रांसपेरेंट कर देगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ग्रीन स्क्रीन है उसमें कोई रिंकल्स ना हो। अगर उसमें रिंकल्स होंगे तो शेडोज़ जनरेट होंगे, शेडोज़ जनरेट होंगे तो कभी भी ठीक से की नहीं आ पाता। कुछ उपाय करने होते हैं। अगर आप किसी बहुत ही बुरी ग्रीन स्क्रीन को की करना चाहते हैं फिल्मोरा में तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिल्मोरा का जो एल्गोरिदम है क्रोमा की का वो इतना स्ट्रांग नहीं है, नहीं यहाँ पे इतने कंट्रोल्स हैं, इतने टूल्स हैं कि आप एक बुरी ग्रीन स्क्रीन से अच्छे से की कर पाएं। प्रीमियर जैसे प्रोग्राम्स में ये हो जाता है। तो आपको जो और बात एक ध्यान रखनी है कि आपकी स्क्रीन में रिंकल्स ना हो और वो इवनली लिट हो, ये बात भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, कि आधी स्क्रीन तो बहुत चमक रही है और आधी स्क्रीन में थोड़ा हल्का अंधेरा है, तो बराबर तरीके से समान रूप से लाइट पड़नी चाहिए ग्रीन स्क्रीन पे, तब आपकी अच्छे से की हो जाती है ग्रीन स्क्रीन। अब जो तीसरा वीडियो है हमारे पास यहाँ पे, वो है ब्लू का। अब ब्लू और ग्रीन स्क्रीन में की करने में फिल्मोरा में कोई अलग बात नहीं है, सेम तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन कलर होता है, सिंपली आपको अपना ब्लू कलर पिक कर लेना है यहाँ से, इस लेयर पे जाना होगा डबल क्लिक करके, और यहाँ से हम पिक कर सकते हैं, इनेबल करेंगे
एंड देन वी कैन पिक दिस कलर फ्रॉम हियर। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी जनरेट हो गई, जो मून ब्लू इमेज नीचे थी अब वो यहाँ पे दिख रही है बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और सेम ऐसे ही आप ऑफसेट एंड टॉलरेंस से ब्लू स्क्रीन को हटा सकते हैं जिस तरीके से आपने ग्रीन स्क्रीन को हटाया था। क्रोमा कीइंग या ग्रीन स्क्रीन रिमूवल एक बहुत पावरफुल पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निक है जिसको यूज करके आप कई तरह के विजुअल इफेक्ट्स बना सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ग्रीन स्क्रीन फुटेज मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए।